दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीएसडीबी गुप्ता भी उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तमाम आयोजनकर्ताओं के साथ राजस्थान की शिल्प कला को, शिल्प कला की खूबसूरती को निहारते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं उनका। रोशन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं दीक्षांत समारोह में, सीएम यहां पर हिस्सा लेंगे, उसके साथ ही झालाना शिल्प संस्थान में फिलहाल लगी एग्जीबिशन को देख रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झालाना स्थित जो भारतीय शिल्प संस्थान है उसके सातवें दीक्षांत समारोह में यहाँ पर आए हैं। तकरीबन 148 जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पर उपाधि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अभी जो स्टॉल्स लगाई गई है उनका विजिट कर रहे हैं, उनके साथ मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और जो एसीएसएस सुबोध अग्रवाल सहित तमाम आला प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री बारी बारी से जो भारतीय शिल्प संस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर से लगाई गई जो यहाँ पर जो प्रदर्शनी है, स्टॉल्स हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। बड़ी बखूबी, बड़ी बारीकी से एक एक चीज का यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं, यहाँ पर जो लगाई गई है उनको देख रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से कैसे क्या ये इनकी क्या चलन है। तमाम एक एक बारीकी से काफी जानकारी है यहाँ पर मुख्यमंत्री जुटा रहे हैं पूजा। बिल्कुल, और तस्वीरों में दिख रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सीएसडीबी गुप्ता भी मौजूद हैं और कौन कौन से अधिकारी यहां पर मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। देखिए पूजा, मैंने पहले भी बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ यहां पर जो मंत्री प्रसादी लाल मीणा है वो यहाँ पर मौजूद है, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा जो एसीएसएस सुबोध अग्रवाल वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो आला प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और अभी आप हम सीधे दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप ये देखिए कि जो भारतीय जो शिल्प संस्थान के जो यहाँ पर जो प्रोफेसर वगैरह है उनसे मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं कि क्या कुछ अक्सर ये देखने को मिलता है जब मुख्यमंत्री जाते हैं ऐसे जो कला संस्कृति है उनमें रुचि दिखाते हैं, वो भी आज यहाँ पर देखने को मिली है। जो स्टॉल्स हैं चाहे यहाँ पर राजस्थानी कलाकृति हो या यहाँ पर जो खादी से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। पेंटिंग यहाँ पर देखी है, एक चित्रकार ने यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने यहाँ पर पेंटिंग बनाकर मुख्यमंत्री को भेंट की है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की जब मुख्यमंत्री जाते हैं ऐसी जो देखने को मिलते हैं तो मुख्यमंत्री को भी काफी अच्छा लगता है ऐसा देखने को मिला है। और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी पूरे इस बारे में समझ रहे हैं और क्या। जी पूजा, बिल्कुल जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। वहीं पर दीक्षांत समारोह है तो आज कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिग्रियां दी जाएंगी, तैयारियां क्या कुछ की गई है दीक्षांत समारोह को लेकर? देखिए पूजा, अगर दीक्षांत समारोह की बात की जाए तो 148 यहाँ पर विद्यार्थियों को यहाँ पर डिग्री दी जाएगी। उसके बाद में द्वितीय यहाँ पर कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की जा रही है भारतीय शिल्प संस्थान की ओर से, उसमें देश और दुनिया भर के यहाँ पर जो कलाकार हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर हिस्सा लेंगे और अपनी यहाँ पर बात रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर दीक्षांत समारोह यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम जो विद्यार्थी हैं उन्हें डिग्रियां यहाँ पर बांटेंगे और उसके साथ साथ उसके बाद में मुख्यमंत्री अपना उद्बोधन देंगे पूजा। बिल्कुल, और फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एग्जीबिशन का जायजा लेते हुए, अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से एग्जीबिशन में लगाए गए उत्पादों के बारे में जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है। रोशन हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। रोशन, राजस्थान की शिल्प कला जो कि विदेशों में भी बेहद चर्चित है, प्रसिद्ध है, ऐसे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है झालाना शिल्प संस्थान का इसे कायम रखने को लेकर, युवा वर्ग को इस कला को सिखाने को लेकर। तो ऐसे में आज ये जो एग्जीबिशन है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इसमें दिलचस्पी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा कि जो भारतीय शिल्प संस्थान है देश के चुनिंदा शिल्प संस्थानों में से एक है, ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं जो कॉन्क्लेव यहाँ पर ये सातवां जो यहाँ पर जो
दीक्षांत समारोह है, उसके अंदर ये यहाँ पर विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह की में यहाँ पर डिग्रियां बांटने के साथ साथ में यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं वो किस किस तरीके की यहाँ पर जो जो शिल्प जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर निर्मित करते हैं, उसी को मुख्यमंत्री बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। अभी भी मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मुख्यमंत्री की हूबहू यहाँ पर पेंटिंग उभार कर मुख्यमंत्री को समर्पित की। उसके अलावा यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं कि एंटिक यहाँ पर जो शिल्प वस्तुएं हैं उनको यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है। अपने आप में ये जो वस्तुएं हैं वो आकर्षित कर देने वाली यहाँ पर है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ पर मिट्टी से निर्मित कुछ यहाँ पर कलाकृतियां यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उनको देखा। यहाँ पर जो चीनी मिट्टी की कुछ यहाँ पर उन्हें वस्तुएं कह सकते हैं वो मुख्यमंत्री ने बड़ी बारीकी से देखा। उसके अलावा तमाम, चाहे हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें और किसी की भी वो बात करें, जो यहाँ पर अपने आप में काफी आकर्षित कर देने वाली इस तरीके की यहाँ पर स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है, उनका मुख्यमंत्री बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार पिछले 5 मिनट से हम देख रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद उन्होंने इतना अमूल्य यहाँ पर समय निकाला और ये शिल्प जो कलाकार हैं उनके बीच में पहुंचे और उनसे साथ ही साथ में फीडबैक भी वो ले रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर कमी आती है, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद हो सकती है और कैसे, और राज्य सरकार जो शिल्प कलाकार है उन्हें उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो तमाम इस तरीके की सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है शिल्प कलाकारों के लिए। पूजा, बिल्कुल, और फिलहाल जो उत्पाद हैं उनकी जानकारी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री इसी कड़ी में लेते हुए नजर आ रहे हैं। कितने देर में जो कार्यक्रम है दीक्षांत समारोह वो यहाँ पर शुरू होने वाला है, कितने समय तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसकी क्या कुछ पूरी रूपरेखा? देखिए पूजा, ये जो दीक्षांत समारोह है ये तकरीबन 11:15 बजे से शुरू हो जाएगा, आपसे ठीक 10 मिनट बाद में यहाँ पर शुरू हो जाएगा और तकरीबन 1 घंटा चलेगा, क्योंकि इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। तकरीबन 12:30 पर मुख्यमंत्री जयपुर से जोधपुर के लिए प्रस्थान होंगे। ऐसे में जो कार्यक्रम है काफी शॉर्ट यहां पर रखा गया है। जो दीक्षांत समारोह है उसमें मंच पर सीधे आप मुख्यमंत्री कुछ ही मिनटों के बाद में वहां पर जाएंगे और ये जो कार्यक्रम है वो अपने तय समय के अनुसार यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोशन आपका। तो दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर राजस्थानी कला की, शिल्प कला की जानकारियां यहां पर इस एग्जीबिशन में लगी स्टॉल्स पर लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। एग्जीबिटर से चर्चा यहां पर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो शिल्प कलाएं हैं यानी हाथ से बनी हुई ऐसी एंटीक चीजें जिन्हें प्रदर्शनी में शामिल किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी, उन उत्पादों के बारे में समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। राजस्थान की शिल्प कला जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और ऐसे में उसे संजो कर रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है झालाना शिल्प संस्थान का, और ऐसे में युवा वर्ग भी इस कला को अपनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और आज जो लोग झालाना शिल्प संस्थान से ग्रेजुएट हो चुके हैं, इस कला को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, 3 सालों के तहत उनका दीक्षांत समारोह है, डिग्रीज उन्हें दी जाएगी और बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम आयोजक यहां पर मौजूद हैं इस प्रदर्शनी के। वहीं पर झालाना शिल्प संस्थान से जुड़े हुए कई पदाधिकारी, कई शिक्षक, कई टीचर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तमाम जानकारियां यहां पर इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए उत्पादों को लेकर देते हुए नजर आ रहे हैं। और
तो आज ये मौका उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास हो जाता है जो कि शिल्प कला के क्षेत्र में आगे काम करना चाहते हैं, क्योंकि चूंकि आज डिग्री उन्हें मिलने वाली है। वो डिग्री मिलेगी जिसमें 3 साल की उनकी कड़ी मेहनत और शिल्प कला के तहत सीखे गए और अध्ययन के दौरान किए गए उन तमाम कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने हाथों से उन्हें डिग्री सौंपेंगे। ऐसे में दीक्षांत समारोह को लेकर भी तैयारियां यहां पर पूरी, कुछ ही देर में दीक्षांत समारोह शुरू होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं झालाना शिल्प संस्थान, जहां पर आज इस खास मौके पर एग्जीबिशन लगाई गई है और एग्जीबिटर्स से इस एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए गए उत्पादों की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। तो रोशन हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रोशन, कई स्टॉल्स यहाँ पर लगी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर दिलचस्पी दिखाते हुए जिस तरह से नजर आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, कोई घोषणा शिल्प कला को लेकर की जा सकती है आज दीक्षांत समारोह जो कि आयोजित किया गया है झालाना शिल्प संस्थान में उसके मंच से? पूजा, देखिए मुख्यमंत्री ने बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज काफी दिलचस्पी यहाँ पर दिखाई है, और अभी आप ठीक कह रही थी कि जो राजस्थान है हस्तशिल्प कला के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। जो भारतीय शिल्प संस्थान है इसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के स्टूडेंट यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, और ऐसे में यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई गई है इसमें भी ये यहाँ पर देखने को मिला है कि इन स्टॉल्स के अंदर अधिकतर राजस्थान के तमाम उन हिस्सों की है, चाहे बाड़मेर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, भीलवाड़े की बात की जाए, जो राजस्थान की यहाँ पर जो कलाकृति है, जो संस्कृति है, उसको दर्शाने की इस हस्तशिल्प जो कला जो मिला है उसके अंदर यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक ऐसा ही आज यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री जो खादी का जो कपड़ा है उसके अक्सर दीवाने माने जाते हैं, ऐसे में जिन स्टॉल्स के ऊपर मुख्यमंत्री ने खादी देखी, खादी का शॉल देखा, तो वहां पर बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री ने रुचि दिखाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो तमाम जो जो यहाँ पर कलाकृतियां बनाई गई है उनके बारे में एक एक कलाकार से उन्होंने वो इंट्रोड्यूस हुए और उनके पूरे पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। अभी हम पिछले 10 मिनट से लगातार ऐसा ही कुछ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी भी जो लगातार जो यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाई गई है उनमें यहाँ पर कलाकारों से यहाँ पर मिल रहे हैं, फीडबैक उनसे ले रहे हैं कि किस तरीके से कैसे के निर्मित की जाती है, कितना एक कलाकृति बनाने में कितना कुछ समय लगता है। तो मुख्यमंत्री ने बड़ी बारीकी से उन कलाकारों से जो तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश की गई। उनके साथ जो सीएस डीबी गुप्ता है उन्हें भी मुख्यमंत्री कुछ यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि उन्हें कुछ समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई। उसके अलावा जो मंत्री है मंत्री जो प्रसादी लाल मीणा है उन्हें भी यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को लेकर कहा गया कि ये तो बिल्कुल फिलहाल प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया जा रहा है। दरअसल ये स्टूडेंट्स जिनकी ओर से शिक्षा पूरी की गई है, जिन्हें आज डिग्रीज मिलनी है, उन्हीं की ओर से ये तमाम उत्पाद बनाए गए हैं और उन्हीं उत्पादों की जानकारी यहाँ पर लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। बेहद बारीकी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का अवलोकन किया और खादी जिसमें महत्वपूर्ण रुचि रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उसे लेकर भी आज जानकारियां लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए थे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे जो कि झालाना शिल्प संस्थान परिसर में ही आयोजित किया गया है, और फिलहाल एग्जीबिशन में उनके साथ सीएस डीबी गुप्ता मौजूद हैं।
बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे तस्वीरें उस दौरान की फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब यहाँ अध्ययन करने वाले एक छात्र की ओर से मुख्यमंत्री का स्केच बनाया गया था और एग्जीबिटर्स की ओर से वो स्केच मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। उस दौरान की अभी कुछ सेकंड्स पहले आपने तस्वीरें देखी। वहीं पर आपको बता दें, संस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लम्हों को, कुछ खास पलों को भी इस एग्जीबिशन में इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिनके बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी दे रहे हैं, जहां पर अलग अलग समय संस्थान में किए गए आयोजन, साथ ही संस्थान की उपलब्धियां, शिल्पकला में योगदान, आगे शिल्पकला को ले जाने को लेकर प्रयास किए गए, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम उपलब्धियों को भी यहां पर प्रदर्शित किया गया है इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से। वहीं पर स्टूडेंट्स की ओर से भी जब जब कोई उपलब्धि हासिल की गई है उनके बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तस्वीरों को देखकर आयोजकों से बातचीत की, संस्थान के पदाधिकारियों से जानकारी जुटाई। कुछ ही समय जब दीक्षांत समारोह शुरू होगा और स्टूडेंट्स को डिग्रियां वितरित करेंगे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उत्साहित तमाम छात्र भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है और डिग्री खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से लेना उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण मौका होगा, एक यादगार मौका होगा और इसको लेकर फिलहाल उत्साहित तमाम छात्र, झालाना शिल्प संस्थान में पढ़ने वाले छात्र भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कुछ समय पहले एक छात्र जो कि झालाना शिल्प संस्थान में ही पढ़ता है, उसने अपनी कला का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हूबहू स्क्रैच बनाया, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज किया गया। जाहिर तौर पर एक यादगार लम्हा उसके लिए। और इस स्केच के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली, इसे निहारा और ये स्केच इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही भेंट कर दिया गया था। और वहीं पर दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम स्टॉल्स का जो कि एग्जीबिशन में झालाना शिल्प संस्थान में लगाई गई है उसमें प्रदर्शित उत्पादों के बारे में गहनता से जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं और तमाम चीजों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो कि स्टूडेंट्स की ओर से ही बनाई गई है, आयोजकों की ओर से पदाधिकारियों से इस पर जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं।